आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जैन। तो आज की बात करने वाले यहाँ पे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के एडमिट कार्ड के बारे में कि एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे आप घर बैठे अपने फोन में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का एग्जाम यहां पे पास करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके जो उपाटन क्वेश्चन आंसर है वो यहां पे आ चुके हैं। आप सबको बता दूं हमारे पास 27 पीडीएफ है, यानी कि 27 पीडीएफ है, जिसमें से 70% जो क्वेश्चन है आपको एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के एग्जाम में आएंगे हमारे 27 पीडीएफ में से। और इसका जो प्राइस है हमने सिर्फ यहाँ पे 270 रखा है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8492093018, इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले आपको 270 पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप हमें पेमेंट करोगे हम उसी टाइम जो पीडीएफ है आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो आप सीधा आपको बताते हैं कि एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे आपने घर बैठे अपने फोन में यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो आप सबको बता दूं कि आप सबने अपने फोन का जो गूगल है वो यहाँ पे खोल लेना है। वहां पे आपने रिसर्च करना है ssc.nic.in, ठीक है। जैसे आप ये रिसर्च करेंगे तो आप सबको बता दूं आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इस पे आप सबने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इस पे थोड़ा क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। तो उसके बाद कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप सबने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर लिखा है होम नोटिस सप्लाई एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा रीजन है, ठीक है। तो उस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका रीजन होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूरे मतलब बताया गया है, ठीक है, पूरी जो जानकारी है ना वो यहां पे दी गई है। तो यहां पे आपका जो भी रीजन होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहां पे देखिए यहां पे नीचे आपने यहां पे चले जाना है, ठीक है। तो यहां पे एडमिट कार्ड के बारे में यहां पे दिया गया होगा, आपको यहां पे ध्यान से देखना है, ठीक है। यहां पे बहुत सारे जो नोटिस है वो आपको दिखेंगे, लेकिन आपको ढूंढना है एसएससी एमटीएस, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो यहां पे फिर घूम गया भाई, आपको बता दूं। तो यहां पे लिखा हुआ है ना डाउनलोड एडमिट कार्ड मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, हवलदार। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे थोड़ा सा क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहां पे टाइम लेगा, ठीक है। कई बार नेटवर्क का इश्यू रहता है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सीधा नीचे चले जाना है। यहाँ पे लिखा है आई हैव रीड, इस पे आपने क्लिक करना है। ब्लू कलर का यहाँ पे सबमिट लिखा है, इस पे आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने सीधा यहाँ पे नीचे की तरफ चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहां से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन आप सबको बता दूं कि सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड होगा जिसका एग्जाम 2 तारीख को है या 3 तारीख को है। देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। रिसर्च स्टेटस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप रिसर्च स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे नीचे दिया गया होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे कितनी तारीख को डाउनलोड होगा। देखिए जिनका एग्जाम 2 या 3 तारीख को होने वाला है उनका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे 2 दिन पहले डाउनलोड होगा, ठीक है। जिनका एग्जाम 4 या 5 तारीख को होने वाला है उनका एडमिट कार्ड भी 2 या 3 दिन पहले होगा। यानी कि जिनका एग्जाम मान के चलिए 10 तारीख को है ना, उनका जो एडमिट कार्ड है 7 या 8 तारीख को डाउनलोड होगा, ठीक है। जिनका एग्जाम 15 को है उनका जो एडमिट कार्ड है
वो यहाँ पे डाउनलोड होगा लगभग यहाँ पे 12-13 को। जिनका एग्जाम 2 या 3 को है वो आज या कल अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। रिसर्च स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करोगे अपना सब कुछ यहाँ पे फिल करके, नीचे यहाँ पे डेट दी गई होगी कि आपका एडमिट कार्ड जो है आप कितनी तारीख से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी प्रकार आप घर बैठे अपना जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप घर बैठे बिल्कुल सही जानकारी पाना चाहते हैं नई से नई जॉब्स के बारे में, नई से नई भर्तियों के बारे में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।